पर्युषणा का प्राण साधर्मिकों को दान। यह पर्युषणा महापर्व का प्राण यदि कोई कहा जाए तो साधर्मिक भक्ति है, और साधर्मिकों को यदि आप दान नहीं दे पाते तो समझ लेना पर्युषणा महापर्व आपके लिए सार्थक न बनेंगे। हम एक साधर्मिक को न संभाल पाए, सच कहना आपने कभी सोचा? आप कोई बड़ी होटल में खाने के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए चले जाते हो, फैमिली के साथ गए हो, फैमिली को मिलाकर गए हो, 5-10-15 दोस्त चले गए हो, 1,000, 2,000 या 3,000 रुपए ऐसे ही उड़ जाते, खत्म हो जाते, पता तक नहीं चलता। हमने सोचा कभी? मैं अभी की घटना बताता हूं, 3 दिन पहले की। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहा कि गुरुदेव जी के पास बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। क्या हालत है हमारे आसपास में रहने वाले लोगों की, जरा देखना सोचना एक बार। आप होटल में चले जाते हो, 3,000-5,000 ऐसे वेस्ट हो जाते, पता तक नहीं चलता, खाकर क्या है? कुछ नहीं, शरीर को बिगाड़ कर आए। आप कहीं टूर पे चले गए, साल में एक बार महाराज साहब घूमने जाना पड़ता है परिवार को साथ में लेकर के, चाहे कितना धर्मी व्यक्ति हो, चाहे कितनी धर्म की आराधना करता हो, लेकिन फिर भी साल में एक बार कहीं ना कहीं फॉरेन टूर पे चला जाता है, कहीं ना कहीं अलग अलग स्थानों पे घूमने के लिए चला जाता है। 2,00,000-5,00,000 खत्म हो जाते, पता तक नहीं चलता। मिला क्या? वापिस आए तो थक कर आए, 2 दिन और आराम करना पड़ता है। क्या लेकर आते हो आप 10 दिन जाके आते हो, 5,00,000 रुपया खर्च करके आते हो, और आकर के क्या, महाराज साहब बहुत थक गए, 2 दिन आराम करना पड़ेगा। अरे वहां आराम करने तो गए थे, क्या करने गए? थकने गए थे। ये हालात है आपके जीवन के। एक दिन होटल में चले जाओ, 2,000-5,000 कहां खत्म हो जाते पता नहीं चलता। एक टूर पे चले जाओ, 2-5 लाख रुपए कहां उड़ जाते पता नहीं चलता। ये आपके जीवन है, लेकिन फिर भी एक साधार्मिक को आपने खड़ा नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या हालात है आपके आसपास के लोगों के। एक भाई आए, महाराज साहब गुरुदेव के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मैंने कहा बताओ क्या बात करनी है। कहा कि गुरु भगवान 7 जनों का परिवार है, एक बेटा था जो समझदार था, बुद्धिमान था, पैसा कमा सकता था, उसने किसी के साथ लव मैरिज कर लिया, वो अलग हो गया, अब हमें हमारे सामने देखता तक नहीं है। एक बेटा है, ज्यादा कोई समझ नहीं उसके पास, ज्यादा कोई बुद्धिमानी नहीं है, व्यापार कर सके ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, परिस्थिति नहीं है, भाड़े की रिक्शा चलाता है, 300-400 रुपए मिलते हैं, 200-250 रुपए भाड़े वाले को दे देते, 100-150 रुपए बचते हैं। गुरुदेव मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोरोना के पहले छोटा मोटा काम कर लेता था, 1.5 साल में कमर इतनी टूट गई कि अब खड़ा हो सकू ऐसी कंडीशन नहीं है, 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनको संभालने में मेरी बेटे की पुत्र वधु कुछ कर नहीं पाती। मैंने कहा क्या जरूरत है बताइए आपको। कहा कि गुरुदेव पर्युषणा महापर्व आ रहे हैं, समझना उनकी भावना को, गुरुदेव पर्युषणा महापर्व आ रहे हैं, 8 दिन हरी सब्जी कैसे खा सकते हैं, पेट में जाएगी नहीं, कठोर लाना है, और उसके लिए थोड़ी कुछ सहायता हो जाए, सहायता खुद के लिए नहीं, लेकिन पर्युषणा आ रहे हैं और पर्युषणा महापर्व में हरी कैसे खाएंगे, गुरुदेव कुछ थोड़ी सी व्यवस्था हो जाए, मैं आपके सामने मांगने के लिए नहीं आया हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन पर्युषणा महापर्व 2 दिन के बाद शुरू हो रहे, घर में कोई व्यवस्था नहीं है, 8 दिन खाएंगे क्या, वो दिक्कत है हमारे सामने, उपवास हो सके ऐसी परिस्थिति नहीं है, गुरुदेव क्या करें, आप थोड़ी सी व्यवस्था करवा दीजिए, अभी के लिए हफ्ता 10 दिन के लिए। मैंने कहा 1 महीने का यदि सामान अनाज थोड़ा ले ले, आपके लिए 1 महीने की व्यवस्था हो जाए, कितनी संपत्ति चाहिए, कितने पैसे चाहिए? कहा कि गुरुदेव 3,000 रुपए की व्यवस्था हो जाए ना तो पूरा महीना मेरा निकल जाए। 7 जनों का परिवार, मुझे कहा कि 3,000 रुपए की व्यवस्था यदि हो जाए ना तो 1-2 महीना निकल जाएगा, लेकिन फिर भी बार बार गुरुदेव मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपके सामने मांगने नहीं आया, मुझे ऐसा कुछ कीजिए, ऐसी कुछ व्यवस्था मेरी करवा दीजिए कि मेरी छोटी सी जो दुकान थी
जो फेरी करता था, कपड़ों की मैं फेरी करता था, उसकी व्यवस्था हो जाए, कोई मुझे माल देने के लिए तैयार नहीं। गुरुदेव कपड़े में 100 से ज्यादा जैनों की दुकान में मैं जाकर आया, कहा कि थोड़ा सा माल दे दो, धीरे धीरे हफ्ते हफ्ते आपको पैसे चुका दूंगा, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। लेकिन गुरुदेव किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, मेरे हालात खराब हो गए, गुरुदेव मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी फेरी की कोई व्यवस्था हो जाए, परिसरा महापर्व है, 8 दिन आराधना करनी है, इसलिए मैं आपसे थोड़ा सा पैसा मांगता हूं, 10 दिन की व्यवस्था मेरी कर दीजिए, 1000 रुपए दिलवा दीजिए, 10 दिन मेरे शांति से निकल जाएंगे, फिर कुछ ना कुछ मैं कर लूंगा। सुनते सुनते 3.5 करोड़ रोमराजी खड़े हो गए कि ये अहमदाबाद में जहां धर्म की इतनी जाहो जलाली हो, जहां लाखों करोड़ रुपए धर्म के मार्ग पर खर्चे जाते हो, ये अहमदाबाद में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जिनको एक टंक भोजन क्या करना, घर में 7 परिवार है लेकिन उनको खिलाना क्या, ये बड़ा दुष्कर हो गया है, और हम हमारे मौज शौक में लाखों रुपए उड़ा देते हैं। महाराज साहब नया मोबाइल निकला है 1 लाख रुपए का है, वो नया मोबाइल चाहिए, गाड़ी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, घर अच्छे से अच्छा होना चाहिए, फर्नीचर अच्छे से अच्छा होना चाहिए, बाहर जाए तो 5-स्टार होटल में ही ठहरेंगे, उससे नीचे हम ठहर नहीं सकते। एक साधार्मिक को संभाला आपने, एक साधार्मिक को खड़ा किया, एक साधार्मिक का ध्यान रखा अपने जीवन में, अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीवन तो वो है जो गैरों के लिए जिया जाए, जीवन तो वो है जो दूसरों के लिए जिया जाए। और मुझे लगा कि क्या संसार कैसा है, अहमदाबाद शहर में रहते हुए भी ये हालात हमारे कहां है, हम कहां खड़े हैं, कभी आसपास में नजर भी तो घुमाओ, कभी देखो भी तो सही कि कौन है जरूरतमंद। और कई साधार्मिक ऐसे बराबर कान खोल के सुन लेना, वो भैया ने मुझे बताया कि महाराज साहब मैं 2 बार आया, नीचे से वापस चला गया कि गुरु भगवान के सामने जाकर के कौन से मुंह से बात करूं, थोड़े दूर रहते थे और मुझे ये बताया कि महाराज साहब कभी कभार चतुर्मास में प्रवचन आदि में गए हो, उसकी प्रभावना के जो पैसे इकट्ठे हुए हो वो सारे इकट्ठे किए और रिक्शा का खर्च उसमें से निकाला। ये जीवन लोग जी रहे हैं, हमारे जैन भाई जी रहे हैं, हमारे जैन बंधु जी रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करने वाले साधार्मिकों के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना, हमारा उनके लिए रस कितना। और मैं तो कहता हूं कि जैन समाज का एक एक इंसान ये तय कर ले कि और कुछ करे ना करे, मैं नहीं कहता कि हम साधार्मिकों को कुछ मदद कर दे, उनको अनाज भर दे, उनको कुछ चीजें दे दे, 15 दिन निकल जाएगा और भैया का महीना निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे, वापिस रोना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि हमारे जैन समाज में इतने सारे उद्योगपति है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे व्यापारी हैं, ये मन में संकल्प कर ले कि मैं कम से कम मिनिमम 1 और मैक्सिमम 5 जैन साधार्मिकों को आजीवन संभालूंगा, इतना नहीं उसको खड़ा करूंगा। संभालना बहुत सरल है लेकिन खड़ा करना बहुत मुश्किल है। हर महीने आपके पैसे उनके वहां पहुंच जाए जरूरी नहीं, लेकिन वो पग भर हो जाए, वो खड़ा हो जाए, वो आत्मनिर्भर बन जाए, उसके पैरों पे खड़ा हो जाए, ये ताकत हमें खड़ी करनी है। और जितने मियां लोग बैठे हैं, चाहे आपके शोरूम हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आप व्यावसायिक हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप उद्योगपति हो, चाहे आपकी फैक्ट्रियां चलती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में एक छोटा सा संकल्प कर लो कि 1 साधार्मिक को मिनिमम और 5 साधार्मिक को मैक्सिमम मैं जीवन में संभाल लूंगा, उनको आत्मनिर्भर बना दूंगा। मैंने कहा कि व्यापार चालू करने के लिए कितने पैसे चाहिए, वो भाई ने आंखों में आंसू के साथ कहा कि गुरुदेव 20,000 रुपए की व्यवस्था हो जाए ना, और वो भी मुझे किसी के चाहिए नहीं गुरुदेव, जैसे जैसे आएंगे मैं वापस दे दूंगा, 20,000 रुपए की व्यवस्था हो जाए ना तो मेरा व्यापार पुनः चालू हो सकता है, वापस से शुरू हो सकता है। गुरुदेव श्री में 100 जगह जाकर आया, 100 लोगों को मिला, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा और पिछले 1.5 साल से मेरे हालात खराब है। 20,000 रुपए की हेल्प हम नहीं कर सकते, और वो भी उसको चाहिए नहीं, वो कह रहा है कि मैं वापस दे दूंगा, धीरे धीरे जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं चुकाता जाऊंगा। लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम उनको मांग मांग कर भिखारी बनवा देते हैं।
गुरुदेव प्रेम श्री दादा कहते थे, गुरुदेव कुलचंद्र सरस्वती माला साहब हर हमेशा कहते हैं कि साधार्मिकों को पैसे मत दो, उनको अनाज मत दो, उनको तैयार करो, उनको आत्मनिर्भर बनाओ। घर में एक व्यक्ति है, चल तू काम कर सकता है, आ जा मेरे वहां पे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जीन शासन के एक ऐसे श्रावक को, जो मात्र हमारे भक्ति श्री समुदाय के श्रावक है इसलिए नहीं, जीन शासन के अद्भुत श्रावक है गिरीश भाई साहब, समस्त महाजन नाम से वो संस्था चलाते हैं और पिछले 5 साल के भीतर उन्होंने एक अद्भुत पराक्रम किया है। गुरुदेव प्रेम श्री दादा से आशीर्वाद लिए, गुरुदेव साधार्मिक भक्ति का कोई उच्चतर और श्रेष्ठ काम कोई करना है, गुरु प्रेम से प्रेरणा ली, गुरुदेव उनके चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के सुसंस्कार उनमें सिंचित हुए थे, कहा गुरुदेव कोई काम करना है और गुरुदेव ने मार्ग बताया, कहा कि कुछ मत कर साधार्मिकों को, तो नौकरी पे जॉब पे रखना शुरू कर दे। आप साधार्मिक को शायद नौकरी पे रख भी लो, आप उसका शोषण करते हो, 5,000 पगार देंगे, 7,000 देंगे, 10,000 देंगे, 12,000 देंगे, 15,000 देंगे। वो गिरीश भाई ने ऐसा पराक्रम किया कि गुरुदेव कोई भी साधार्मिक हो मेरे पास भेज दो, थोड़ा बहुत काम कर सकता हो, थोड़ा बहुत भागा भागी कर सकता हो, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काम कर सकता हो, मैं उनको पगार दूंगा 25,000। भले उनकी कोई स्किल ना हो, साधार्मिक है ना अपना, भले उनके पास कोई ताकत नहीं हो, अपना साधार्मिक है ना। गुरुदेव मैं कहीं से भी फंड इकट्ठा कर लूंगा, लोगों से हाथ फैला करके मांग लूंगा, दोनों लोगों से दान इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन एक साधार्मिक को 25,000 रुपए का पगार देने के लिए मैं कटिबद्ध हूं, तैयार हो, आपके पास जो भी साधार्मिक हो थोड़ा बहुत काम कर सके मेरे पास भेज दो। और मात्र 25,000 पगार इतना नहीं, उनकी एजुकेशन की, घर की व्यवस्था पूरी उनकी संस्था संभालेगी, उनकी मेडिकल हेल्थ की व्यवस्था पूरी उनकी संस्था संभालेगी, चाहे महीने में कितनी भी लीव ले ले, कितनी भी छुट्टियां ले ले, विद रीजन यदि छुट्टियां लेते हैं तो उनका पगार कभी काटा नहीं जाता है। इस तरह से एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दस नहीं, बीस नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, अब 3-4 दिन 5 दिन पहले जब हमें मिलने आए तब उन्होंने बताया कि गुरुदेव अभी तक 75 साधार्मिक भाइयों को मैंने जॉब पे रख लिया है, 25,000 रुपए पगार, वो कोई उनकी ऑफिस की जॉब में नहीं रखा, शासन की सेवा करवाते हैं, कहीं रिसर्च वर्क पे जाना हो, कहीं फील्ड में काम करने के लिए जाना हो, कहीं काम करने के लिए जाना हो, उनके ऑफिस में नहीं रखते, समस्त महाजन संस्था में उनको सेवा किए काम करवाते हैं। मुझे कहते हैं गुरुदेव हमारे यहाँ परंपरा बनाओ कि साधार्मिकों के द्वारा ही काम किया जाए, कोई ज्ञान भंडार की शुद्धि कर रही हो, कोई जिनाले का शुद्धिकरण करना हो, आप उनको एक फोन करो, 75 आदमी का स्टाफ 1 मिनट में भेज देते हैं। मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति चाहे तो 75 परिवारों को खड़ा कर सकता है, संभाल सकता है, आत्मनिर्भर बना सकता है। हम एक इंसान को नहीं बना सकते, हम तो साधार्मिक का शोषण करते हैं। 5,000-10,000 पगार कितने कम पगार में रह जाए और कितना ज्यादा काम करवा ले, ये आपकी मेंटालिटी है, बराबर समझना। जीवन में संकल्प कर लो, यदि आपकी दुकान है, आपकी ऑफिस है, आपका कहीं ना कहीं जोर चलता है, आपके पास ताकत है, तो संकल्प कर लो कम से कम एक साधार्मिक और ज्यादा से ज्यादा 5 साधार्मिक को मैं आत्मनिर्भर बनाऊं, तभी जाकर के ये समाज, हमारा जैन धर्म साधार्मिकों से मुक्त होगा। वरना दिन प्रतिदिन इतने साधार्मिक बढ़ रहे हैं कि हम कल्पना नहीं कर सकते। आपके सामने तो कोई नहीं आता, कौन आता है? हमारे पास आते हैं लोग, हमारे पास आते हैं, हमें बताते हैं, हमारे पास आकर के कहते हैं कि गुरुदेव ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये साधार्मिकों के हालात है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, परिशला महापर्व का प्राण यदि कोई है तो साधार्मिकों का दान है। हर एक इंसान संकल्प कर ले, मैं आत्मनिर्भर बनाऊंगा साधार्मिकों को। आपने कभी, मैं तो यहां तक कहता हूं, आपने सच कहना, यहां जितने भी बैठे हैं, आपने साल में एक बार भी कोई साधार्मिक को घर बुला करके प्रेम से भोजन भी करवाया, प्रेम से खाना भी खिलाया, इतना तो आप कर सकते हो। हम साधार्मिक को बड़ी नीची नजरों से देखते हैं, बड़ी गलत नजरों से देखते हैं, बड़ी तुच्छ नजरों से देखते हैं। साधार्मिक हमारे समान धर्म वाले हैं, हमारे समान है, हमारे पैरेलल है, और उनको संभालना चाहिए, उनको खड़ा करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि जैन समाज भारत का सर्वश्रेष्ठ समाज हो, जैन समाज भारत में सबसे सुखी समाज हो, फिर भी जैन समाज में साधार्मिकों को मांगने निकलना पड़े ना, ये हमारे लिए बड़ी गलत बात है, ये हमारे लिए बड़ी बुरी बात है। जहां तक मेरा संदेश आप पहुंचे, जीवन में संकल्प कर लीजिएगा, एक साधार्मिक को कम से कम मैं खड़ा करूंगा, एक साधार्मिक को आत्मनिर्भर करूंगा, उसका शोषण नहीं करूंगा, उनको बने वहां तक काम पे रखूंगा और उनको अच्छी जॉब दिलाऊंगा, उनको आत्मनिर्भर करके उनके जीवन में आगे ले जाने के लिए मैं निमित्त बनूंगा। और मैं कहता हूं
आज आप किसी को संभाल लो, कल आपके जीवन में परेशानी आएगी ना तो कोई आपको संभाल लेगा। यदि हमने किसी को संभाला नहीं, सेल्फिश बन गए, स्वार्थ वृत्ति जीवन में रखी, मात्र मात्र स्वार्थ से जीवन जिया हो, तो आपके जीवन में भी तकलीफ आएगी ना तो कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा, कोई खड़ा करने वाला नहीं मिलेगा। आपके पास आज शक्ति है, उसका इस्तेमाल कर लो। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।